माता भजन कौर की याद सुर संगम विद्यक ट्रस्ट वालों रचाए जा रहे इस पुरस्कार वंड समारोह के मुख्य केंद्र बिंदु डिप्टी चीफ इंजीनियर सरदार अजीत सिंह जी बहुत ही सत्कारक मान प्रभाव साहब सीखो साहब विशेष तौर पर निकिया कुंबड़ा के संपादक बलजिंदर मान जी बहुत ही प्यारे बच्चे हो पतवंत सज्जनों सब तो पहला मैं बलजिंदर मान नाले गिला करांगा कि एक अवार्ड जिहड़ा मैंने सब तो पहला मैनू मिलना चाहिए ये अज तक मैनू क्यों नहीं दिता गया ये सब तो पहला मैंने इस व्यक्ति नाल शिकवा है। तुसी कहोगे कि शिकवा क्यों ये शिकवा इस करके है कि मैनू इन्ना मान सम्मान नैशनल अवार्ड वेले नहीं मिलिया जिन्ना सम्मान मैनू अज मिले वो जिहड़े अवार्ड है वो अवार्ड पीक है ये अवार्ड सम्मान मैनू पहली बार जिहड़ा सम्मान है चिट्ठी पा के बार बार फोन करके तुसी आ रहे नहीं आ रहे और थोनू अवार्ड दे विच इह दित्ता जा रहा अवार्ड तो पहला मेरी सारी बायोग्राफी छाप देनी इन सम्मान कहते सरकारी सम्माना नालों ये सम्मान मैं सब तो पहला मिलना चाहिए और सम्मानित करके मेरे ऊपर आसान अगली गल भावें कि जी ऑडियंस है थोड़ी है पर ऑडियंस स्टैंडर्ड जिदे सरदार कमल जी सुनीलों वर्गे व्यक्ति बैठे हो वो चाहे कला ही बैठा हो हजारों वर्गा लखा वर्गा एक इंसान मातृशक्ति गल बाल साहित्य की हो रही है ये मंच संचालक बीबी कह रही थी कि अज जो साडे जो बच्चे है वो साडी चिंता का विषय चिंता का विषय इस करके है कि अज ये बच्चे जेडे जिन्हों के हथा के किताबा होनी चाहिए अज इन्ह के बच्चों के हथा के मोबाइल और जी बाइक है इनकी प्रियोरिटी सवाल इस चीज़ का है कि जी साड़ी सोसाइटी है कितनी जिम्मेदार असी माँ बाप और असी जेडे अध्यापक है सोसाइटी है असी इन बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है साड़ी मैं सब तो जी पहली शुरुआत है वो मैं अपने परिवार को करूँगा और रिक्वायरमेंट है क्या जे कि बाई चांस बच्चे का फादर का जो पिता है वो कि अपनी पत्नी के नाल शिकवा करे कि हरा इन लोड़ नहीं है तो बना जे कि जिस अध्यापक वर्ग ने मैनू मेरे परिवार के किसी ने साहित्य नहीं लिखा मेरा संबंध एक व्यापारिक परिवार के नाल है मेरे मेरा जो मैं पैदा होया तो साडे हथां दे विच जिहड़ी दुकान दीआं चाबीआं 5 साल की उम्र च मेरी दुकान हथां दुकान दीआं चाबीआं कड़ातियां गई 8 साल तो मैं नवी शहर तो समान लिआना शुरू किया पर अगर मैं एक बाल साहित्यकार दा रचेता है तो उसका जिहड़ा क्रैडिट है मेरे टीचर नूं जांदा वो किवें जांदा मेरे टीचर नूं क्रैडिट क्योंकि कलमां कड़के देनियां भाषावां दे अर्थ लिखाने टीचर ने नच नच के क्लास दे विच कविता पढ़नी और समागम रचाने अपने आप एक जिहड़ी चेतक है उहदे पंजवीं जमात दे विच वजीफे नूं साडी जमात दे बच्चे जा रहे जिहड़ा अध्यापक बच्चों की वजीफे की चोण करता सी वह अध्यापक साडी दुकान ते कदे कदे चाह दा चाह पीण पहला चाह दा कप उन्हां नूं मिलना बाद चो होर किसी व्यक्ति नूं मिलना साथी आए हैं
योग्यता अभिनंदन शुभकामनाएं पूरे पंडाल में सजे हुए समूह श्रोतागण समेत मेरे माता जी और मेरा परिवार बहुत ही सुभाग समा प्राप्त है। मैनू ही नहीं, मैं समझा तुम सब जे मैं अतनी ना करा तो गुरबाणी ये कहती है कि प्रभु ने सानू साज के कुछ ना कुछ गुण दे के इतने भेज दिता है और वो आप साढ़े क्रियाकर्म देख रहा आपे सजे बैठा वेखे आपे धंधे लाए किसे थोड़ा किसे अगला खाली कोई ना। जे तुम समझो